students, good morning. Welcome to Shraddha English Medium online classes. Standard first subject means chapter 1 numbers up to 20. Okay, ये हमारा chapter number 3 है. Okay, ये हमारा chapter number 3 है. Chapter 1 क्या था? Pre number concept. Second chapter था numbers from 1 to 9 and 0. Okay, so यहाँ पर मैंने chapter 2 के जो नंबर्स थे नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 सो हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे उसके स्पेलिंग से और नंबर्स से. ओके, और यहाँ पर है सेकेंड चैप्टर के नंबर्स फ्रॉम 11 to 20. ओके, सो यहाँ पर है 1 to 10 O N E 1. ओके, O N E 1, 1 माने 8. ये हो गए 8. अभी यहाँ पर कितने जो यहाँ पर हमें राउंड दिख रहे हैं 1 and 2, तो ये हो गए 2 नंबर. T W O 2. ओके, T W O 2. फिंगर्स में हम लोग इस तरह से बताएंगे, ये 2 फिंगर्स, 1 2. नेक्स्ट है 3, 1 2 and 3. T H R E 3, T H R E 3, 1 2 and 3. ओके, 4, 1 2 3 4. A O U R, 4, 1 2 3 and 4. A 5, 1 2 3 4 and 5. F I V E, 5, 1 2 3 4 and 5. ये हो गए 5 नंबर. अभी 6, S I X, 6, 1 2 3 4 5 and 6. ओके, ये हो गए 6 नंबर. अभी 7 नंबर, S E V E N, 7, 1 2 3 4 5 6, और 7. ये हो गए हमारी 7 फिंगर्स. नेक्स्ट है 8, E I G H T, 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ये कितनी फिंगर्स हुई? 8. तो ये हो गए 8 नंबर. नेक्स्ट है 9, N I N E 9. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ये हो गई हमारी 9 फिंगर्स. ओके, 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 10. ये होगा हमारी 10 फिंगर्स. T E N, T E N माने 10, 10 यानी कि 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये आ गए हमारे 1 से 10 तक के नंबर. अभी और एक नंबर क्या आएगा इसमें 1 के बाद क्या लगा? वो है 0. ओके, ओके, जीरो का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर हम लोग जीरो को कोई भी नंबर के साथ प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, अगर 1 + 0 हो गया तो 1 आएगा, 3 + 0 हो गया तो 3 आएगा, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ अगर हम उसे एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो वापस वही नंबर हमें आंसर में मिलेगा. ओके, सो आज हम लोग हमारा थर्ड चैप्टर जो है नंबर्स अप टू 20, आपकी बुक में आपको इस तरह से ओपन कर लेना है, ठीक है, नंबर्स अप टू 20, पेज नंबर है 81. हम लोगों ने जो सिंगल डिजिट नंबर इसमें लिखा है, सिंगल डिजिट नंबर हम लोगों ने 0 से 9 तक के जो नंबर्स थे वो हमने चैप्टर 2 में किए. सो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर यानी कि इसमें 2 नंबर्स है, 1 और 2. ओके, ये 2 नंबर्स है, 1 1, ये 2 नंबर्स हुए. सो ये बोलते हैं इसे 2 डिजिट वाले नंबर. आगे के स्टैंडर्ड में आपको इस तरह से नंबर दिए जाएंगे, तो ये कितने हुए? 1 2 and 3, 3 नंबर्स हुए. सो इसे बोलेंगे 3 डिजिट नंबर्स. तो आपको अभी तो सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर देखने हैं. 10 is written as 10. 10 को हम लोग किस तरह से 10, 10 कम्स आफ्टर 9. 10 जो है 9 के बाद आता है और हम उसे 10 इस तरह से राइट करते हैं, यानी कि उसे वो 2 डिजिट नंबर है. आई थिंक 9 इज द लास्ट डिजिट नंबर, लास्ट सिंगल डिजिट नंबर. 9 जो है लास्ट सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि आखिर में आता सिंगल डिजिट नंबर है. और 10 जो है 10 जो है
वो फर्स्ट टू डिजिट नंबर है, ठीक है, वो पहले टू डिजिट नंबर में आता है। पहले 10 से चालू होता है टू डिजिट नंबर, उसके बाद 11, 12, 3, ओके, और लास्ट में क्या आएगा टू डिजिट नंबर में, 99 आएगा लास्ट टू डिजिट नंबर, उसके बाद क्या आ जाएगा 100, 100 हो गए थ्री डिजिट नंबर। ओके, यहाँ पर देखिए एप्पल से कितने हैं काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो ये हो गए 10 एप्पल्स, 1, 0, 10 इज द फर्स्ट टू डिजिट नंबर। ओके, यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं 11 से 20 तक के नंबर्स दिए गए हैं, तो उसमें उसकी पोजीशन बताइए, ये वंस पोजीशन है, ये टेंस, हम लोग इस तरह से बोलते हैं ना, जो हमारे एबाकस होते हैं, यहाँ पर वंस होगा, यहाँ पर टेंस नंबर होगी, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से टू बीट्स लगा दिए तो ये वन ये वन, तो ये नंबर क्या होगा 1111, ओके, ये होगा नंबर 1111, इस तरह से ये वंस पोजीशन है और ये टेंथ पोजीशन है। अभी यहाँ पर मैंने लगा दिए टू बिट्स, तो यहाँ पर कितने आएंगे, टू वंस पोजीशन पर आएंगे टू नंबर, 1, 2, 12। ओके, यहाँ पर पेज नंबर जो है 83, वहाँ पर आपको 11 से 20 तक के नंबर जो है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कि आपको लिखना है बहुत ही अच्छे से, लिखना भी है, याद भी करना है और बहुत ही अच्छे अक्षर भी करने हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग 11 से 20 तक के नंबर स्टार्ट करते हैं। 11, E-L-E-V-E-N, 1, 1, 11, T-W-E-L-V-E, 1, 2, 12, ओके, ये हो गया 12, 1, 3, 13, T-H-I-T-H-I-R-T-W-N, 13, अभी 14 का स्पेलिंग F-O-U-R-T-W-N, F-O-U-R-T-W-N, 14, या आपको आपकी CW में दोनों ही नंबर्स लिखने हैं, उसके स्पेलिंग्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ओके, 11, 12, 13, 14, अब 15, पहले 11 से 15 तक का याद करना है, ठीक है, थोड़े थोड़े याद करना, पहले 11 से 15 तक के, बाद में 16 से 20 तक के, F-I-F-T-W-N, यानी कि 15, F-I-F-T-W-N, 15, 16, ओके, 1, 6, 16, S-I-X-T-W-N, 16, 1, 7, 17, S-E-V-E-N-T-W-N, ये हो गया 1, 7, 17, अच्छा 1, 7, 17 के आफ्टर नंबर कौन सा आएगा, 1, 7, 17 के आफ्टर नंबर आएगा, ओके, तो 1, 7, 17 के पीछे जो आएगा वो होगा आफ्टर नंबर, यानी कि 17 का आफ्टर नंबर हो गया 18, और 17 का बिफोर नंबर यानी कि आगे का नंबर, तो आगे का नंबर होगा 16, और मैं बोलूँगी कि ये 16 और